हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और सामने दिया नोटिफिकेशन बेल को आप लोग ऑल कर दीजिए मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा कैसे आप लोग न्यू इनकम टैक्स के साइट में कैसे आप लोग आधार कार्ड लिंक करेंगे पैन कार्ड का साथ में, वो भी मैं हिंदी में आप लोगों को स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग को पहले गूगल पर जाना है। गूगल पे जाने के बाद में यहाँ पर आपको लिखना है ई पोर्टल PROTAL income tax gov.in। तो इसके पे आप लोगों को क्लिक करना है। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर पेश होकर का ई फाइलिंग होम पेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस पे आप लोग पहले क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप लोग को थोड़ा टाइम रुकना होगा। तो इसमें आपको जाना है होम में। होम में जाने के बाद में आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना है। तो आप लोग देख सकते हैं सेकंड जो है लिंक आधार, तो लिंक आधार विद पैन, तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप लोगों के सामने एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। शायद थोड़ा स्लो है तो आप लोग को थोड़ा टाइम इसमें रुकना है। दोस्तों एक बात आप लोग को ध्यान में रखना है, पैन कार्ड और आधार कार्ड जब आप लोग लिंक कराएंगे तो पहले आप लोग को चेक करना है आप लोगों का पैन कार्ड और आधार कार्ड के नेम डेट ऑफ बर्थ आप लोग का सेम है या नहीं। तो आप लोग का पैन कार्ड में भूल है या आधार कार्ड में भूल है तो पहले तो आप लोगों को सही कराना है और इसके बाद में आप लोगों को लिंक करना है। तो पैन कार्ड लिंक करने के लिए पहले आप लोगों को पैन कार्ड नंबर डालना है। इसके बाद में आप लोगों का आधार नंबर डालना है। इसके बाद में आप लोगों को आधार कार्ड में आप लोगों का क्या नेम है तो यहाँ पर आप लोगों को टाइप करना है। तो इसके बाद में आप लोगों को मोबाइल नंबर डालना है। तो आप लोग जो मोबाइल नंबर डालेंगे वो एक्टिव मोबाइल नंबर होना जरूरी है और दूसरे का मोबाइल नंबर आप लोग मत दीजिए। खुद का मोबाइल नंबर है वही आप लोग मोबाइल नंबर के जगह पर फिलअप कीजिए। आप लोगों का आधार कार्ड में ओनली ईयर मेंशन है तो आप लोगों को आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड तो आप लोगों को इस पर टिक करना है। और आप लोगों का ईयर मेंशन नहीं है और डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो आप लोगों को आई एग्री टू वैलिड माय आधार डिटेल्स पर आप लोगों को टिक करके लिंक आधार पर क्लिक करना है। लिंक आधार पर क्लिक करने के बाद में आप लोगों का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट OTP भेज दिया गया है तो आप लोग को यहाँ पर डालना है। तो आप लोग का पास जो भी OTP गया है तो यहाँ पर आप टाइप कीजिए और वैलिड पर क्लिक कीजिए। वैलिड पर क्लिक करने के बाद में आप लोग का सामने खुल कर आ जाएगा आधार पान लिंक कंप्लीट सक्सेसफुली। तो इसके बाद में आप लोग को फिर से वो होम पेज पर आ जाएगा। होम पेज पर आने के बाद में आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना है और लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप लोगों को फिर से रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर इस पर डालना होगा। तो थोड़ा रुकना है। रुकने के बाद में आप लोगों को आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है। तो पहले तो आप लोग को पैन कार्ड नंबर डालना है। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद में आधार कार्ड नंबर डाल के व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना है। तो योर आधार पैन लिंक रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंड टू UIDAI फॉर वेरिफिकेशन, प्लीज चेक द स्टेटस। तो आप लोग को इस पर क्लिक करके चेक करना है। तो आशा करता हूँ मेरे वीडियो देखने आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।